तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ GChem डाउनलोड कैसे करना है लेटेस्ट वर्जन फॉर योर एंड्रॉयड फ़ोन। चाहे आपका एंड्रॉयड को जो भी वर्जन हो 11, 12, 13, सब में ये काम करने वाला है। और ये जो GChem है ना, ये काफ़ी कमाल का होने वाला भाई सवाल, क्योंकि अभी चल रहा है लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 13। तो मैंने इसको रन किया, काफ़ी चीज़ यूज भी किया हुआ था इसको, मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये GChem से जो है आप इजी तरीके से इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो ओरिजिनल फाइल, एंड इसको यूज कैसे कर सकते हो। ओके, क्योंकि आप सभी जानते हो कि GChem से जो पिक्चर होती है वो काफ़ी कमाल की आती है, एंड जो बैकग्राउंड में जो डेप्थ ऑफ फील्ड आता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और काफ़ी नेचुरल पिक्चर भी क्लिक करता है। तो इसके लिए GChem जो है आपको अलग से डाउनलोड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इनफैक्ट ऐसे फ़ोन में जिसका जो कैमरा है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो वैसे फ़ोन के लिए आप GChem यूज़ कर सकते हो जो आपको काफ़ी अच्छा फोटो निकाल के देता है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जाओ फटाफट से मुझे इंस्टा पर फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं हमेशा बहुत सारी लेटेस्ट पोस्ट वगैरह डालते रहता हूँ जो आप लोग के लिए काफी यूजफुल होती है। तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और कोई बात, कोई शिकायत, कुछ कंप्लेंट, कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर देना। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, लाइक करके जाना और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। ओके, तो चलिए डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करोगे आप यहां से ऑटोमेटिकली इस साइड पर पहुंच जाओगे। पहुंच जाने के बाद आपको एक ये GChem दिख रहा है, यहां से ये आपको दिख रहा है 366 MB का। ये आपको नवंबर 2022 के लेटर अपडेट किया हुआ है, एंड जो लास्ट अपडेट है वो आपको 28 दिसंबर 2022 का यहाँ पर दिख रहा है। तो जो वर्जन आपको यहाँ पर दिख रहा है V8.7 दिख रहा है, इसको यहाँ से क्या करना, डाउनलोड कर लेना। ओके, तो जैसे यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लोगे ये आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसके लिए यहाँ पर लिखा गया डाउनलोड फाइल अगेन, और इसको मैं इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे, और मैं आपको उससे पहले अपना जो है एंड्रॉयड वर्जन वो दिखा देता हूँ कि मेरा जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कितना पे रन कर रहा है। ओके, तो जैसे यहाँ पर जाएंगे तो आपको फनटच OS 13 यानी एंड्रॉयड वर्जन जो है वो भी आपको 13 देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये मेरा जो फ़ोन है वो 13 पे रन कर रहा है। तो ये मेरे फ़ोन के लिए आपको ये जो GChem है वो काफ़ी अच्छा यूज में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, लेकिन कभी कभार थोड़े से क्रैशेस आ रहे हैं, तो वो तो फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इशू है, इस ऐप के अंदर इशू नहीं है। क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आया एंड्रॉइड 13 का, तो इसकी वजह से बहुत सारे एप्लीकेशन क्रैश भी हो रहे हैं। GChem के अलावा बहुत सारे और भी एप्लीकेशन क्रैश हो रहे हैं, तो वो आपको सॉफ्टवेयर का इशू है, एंड्रॉइड का इशू है, ना कि GChem का इशू है। कभी कभार आपको थोड़ा बहुत यानी 10 बार में 1-2 बार आपको क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं, तो बट ऐसा कोई बात नहीं है। आप ट्राई करोगे तो आपके पिक्चर जो काफ़ी अच्छी आई। ओके, मैंने बहुत सारे पिक्चर से क्लिक करी है GChem से, जिसके उनका काफ़ी अच्छा यूज भी किया हुआ है, तो इसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर मुझे फेस करने को नहीं मिली है। और बहुत सारी सेटिंग आपको यहाँ पर खुद से इसमें भी कर सकते हो, एंड फुल HD जो रिजोल्यूशन है, फ्रेम FPS वगैरह भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। एंड कैमरा मोड में अगर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है जो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर मोड सेटिंग में जहाँ पर जाएंगे, तो मोड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखो बहुत सारे एक्सेस दिए गए हैं। यहाँ पर देखो जेस्चर वगैरह होते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए, आप यहाँ से इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। एंड नीचे जाओगे तो एक्सपोजर वगैरह को, ऑटो नाइट शिफ्ट को, यहाँ पे बहुत सारी सेल्फी या प्रीव्यू वगैरह पे वीडियो सर्वेशन को ऑन करके डेवलपर सेटिंग में अंदर जाओगे तो बहुत सारे ऐसे सेटिंग आपको और मिल जाएंगे जो आपके काफ़ी काम के होते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग सेटिंग को आप यूज कर सकते हो, उसके बाद अच्छी पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे पिक्चर से क्लिक करी जो आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, तो बाकी का आप यूज़ करो। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, तो इंस्टाग्राम पर DM करना। और ये जो वर्जन है आपको मैंने हर फोन में ट्राई किया हुआ है, Xiaomi के, Redmi के फ़ोन में ट्राई किया हुआ है एंड्रॉयड वर्जन 12 पे है, एंड इसमें भी आप ट्राई करना कि आपके फ़ोन में ये वर्क इजीली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे फ़ोन में वर्क कर रहा है तो सब फोन में ही वर्क करेगा। ओके, एंड अगर आपके मन में, अगर आपको ये कैमरा जो है वर्क ना करे, तो आप इंस्टाग्राम पर आना, मैं आपको लेटेस्ट लिंक भेज दूंगा लेटेस्ट GChem का, आप इजीली डाउनलोड करना अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। तो चलिए, लेकिन जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो करो, और वीडियो चलेगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।